श्री जयश्रीबेन पटेल श्रीमती हैं। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह जैसे राष्ट्रपति के अभिभाषण में सभी माननीय सांसदों ने जो चिंता व्यक्त की, इनके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि ये सचमुच राष्ट्रीय संत का विषय है कि दुनिया की दूसरी सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देश में 42% बच्चों का वजन सामान्य से कम है, कई महिलाएं भी कुपोषित हैं। अब जब खुद प्रधानमंत्री ने भूख और कुपोषण पर एक रिपोर्ट जारी करते हुए यह कहा है कि तेजी से प्रगति कर रहे देश के लिए पोषण का स्तर सामान्य से कई अधिक कम होना अस्वीकार्य है। कुपोषण की समस्या के समाधान में ICDS जैसी योजनाओं पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। ICDS में कुपोषण में सिर्फ 2.7% औसत वार्षिक दर से गिरावट ला पा रही है। पिछले 7 वर्षों में कुपोषित बच्चों के प्रतिशत में केवल 11% की कमी आई है। इस समस्या से निपटने के जैसे उपाय किए जाने चाहिए वह अपर्याप्त है। बेहतर होगा कि भारत सरकार इस समस्या को लेकर ही चेत जाती, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट लगातार यह कर रही है कि भारत में बच्चों और महिलाओं के कुपोषण की स्थिति अनेक निर्धन अफ्रीकी देशों से भी गई गुजरी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि राज्य सरकारों को कहीं अधिक सजगता और सक्रियता का परिचय देना होगा। जैसे गुजरात पैटर्न की तरह कुपोषण के सामने जैसे जंग छेड़ा गया है, निश्चित रूप से कुपोषण का मूल कारण सेहत के प्रति अज्ञानता भी है एवं निर्धन वंचित तबकों के पास पोषण योग्य आहार की कमी भी। यह भी एक विडंबना है कि एक और विभिन्न स्रोत से यह सामने आ रहा है कि देश में कुपोषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर भंडारण का अभाव स्पष्ट है कि भीख और कुपोषण का सामना तब तक नहीं किया जा सकता जब तक सभी कमजोर कड़ियों को दुरुस्त नहीं किया जाता। मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि मिड डे मील PDS का फायदा भी इसी चलाने वाले ही उठा रहे हैं, इसीलिए मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि कुपोषण के निर्मूलन हेतु एक सक्षम नीति एवं कठोर कदम उठाए जाए। धन्यवाद। धन्यवाद श्री।